एक्वाफोनिक आज नाइट्रेट का टेस्ट करने वाले हम लोग। अमोनिया और नाइट्रेट आपने देख लिया रहेगा, अभी नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे। वैसे ही सेम वाइट लाइन तक मैंने एक्वाफोनिक का फिश वाटर ले लिया है यहाँ पे। अभी इसमें भी दो बॉटल्स आती है दोस्तों, जो बॉटल वन है तो खोल के मैं इसमें ऐड करता हूँ। वो आपको 10 ड्रॉप्स करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बॉटल वन हो गया। और ये 10 ड्रॉप्स आपको डालने के बाद 30 सेकंड तक आपको ये शेक करना है। 30 सेकंड तक टाइम वॉज स्टार्टेड। ये सब टेस्ट एक्वाफोनिक के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपको आपका वाटर का अभी क्या सिचुएशन है से आपका प्लांट ग्रो हो रहा है, फिश ग्रो हो रहा है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं लगेगा अगर आपने टेस्ट नहीं किया। तो 30 सेकंड हो गया अभी, के बाद ये बॉटल टू खोलता हूं मैं। इसके भी 10 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसको आपको 1 मिनट तक आपको शेक करना है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन आपको ये 1 मिनट तक शेक करना है। उसके बाद आपको उसके इसको मतलब ऐसा होल्डिंग पर्पज़ आपको 5 मिनट तक रखना है, मतलब टोटल 6 मिनट्स हो गए सेकंड बॉटल के बाद। तो 1 मिनट तक शेक करना है इसको। दोस्तों अभी इसको 5 मिनट तक मैं रखता हूँ। और इसके इन बिटवीन आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें अगर आपका नाइट्रेट जैसे चार्ट है, ये चार में नाइट्रेट है, नाइट्रेट अगर आपका हाई मिलता है मतलब 40 ppm 80 ppm रेडिश कलर में आता है या फिर मरून कलर में आता है, तो आपका फिश निकालने का टाइम दोस्तों आ गया है। मतलब आप फिश निकाल के आप फ्राई कर सकते हो या बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको फिश नहीं निकालना है तो आपको ऐड सम मोर प्लांट्स, मतलब आपको प्लांट्स बढ़ाने हैं, जितने भी प्लांट्स आपके एक्वाफोनिक्स में लगे तो आपको प्लांट्स और ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपका लो नाइट्रेट आ गया तो आपको लो नाइट्रेट में आपको प्लांट्स आपको कट करने पड़ेंगे। आपके प्लांट्स ज़्यादा हो गए, आपको हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, या फिर आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर दूसरा कोई प्लांट्स छोटे रहेंगे तो आपका दूसरा प्लांट्स में आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा, और या फिर आपको फिश ऐड करना पड़ेगा। आपको ये फिश ऐड करना पड़ेगा लो आ गया तो। अभी देखते हैं 5 मिनट के बाद इसका सिचुएशन क्या हो रहा है। ये 5 मिनट पूरे हो गए। अभी ये नाइट्रेट में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कलर आ रहा है। अगर आप देखा जाए तो ये 10 ppm और 20 ppm के रेंज में आ रहा है, मतलब आपका ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है।
परफेक्ट आपका नाइट्रेट लेवल है, या फिर हल्का सा लो आप इसको पकड़ सकते हो, तो उसमें आप आपके प्लांट्स थोड़े कम कर दो या फिर फिश थोड़े ऐड कर दो, थोड़े फिश ऐड होने चाहिए और टैंक में। अभी मेरा ये जो फिश है मैंने 200 ऑफ तिलापिया 500 लीटर्स में मैंने छोड़े थे, तो मैंने और फिश ऐड करूँगा या फिर ये जो सारे प्लांट्स है उसको कम करूँगा। ये हो गया नाइट्रेट टेस्ट। ओके, थैंक यू एंड सो आर फॉर।